तो क्या हाल चाल है? और सब मस्त है ना? तो थंबनेल में तो देख ही चुके हैं कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक तो अंत तक बने रहिए, और मेरा ये मोटिवेशनल चैनल है, आपको कभी भी कचरा का बाड़ा नहीं मिलेगा। आप अंत तक देखिए तो आपको लगेगा कि जितना देर मैंने टाइम दिया वो वाकई सार्थक गया, वाकई अच्छा गया। तो अंत तक बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो लगे रहिए, और मैं आपको बताऊँगा कि मैं बचपन में क्या करता था, अभी मैं क्या करता हूँ, कैसे यूट्यूब पे आया और कैसे वीडियो बनाने लगा, और क्या क्या नहीं, हाँ ना, जो भी मेरे बारे में है, मैं सारे चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा जितना कुछ मुझे लगता है। तो ये जो देख रहे हैं राउंड राउंड, ये मेरा रूम है और इसी में मैं रहता हूँ। और आज सोच रहे होंगे कि आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है। तो आज दीपावली का सफाई होने वाला है, पूरा झाड़ झूर। और यहाँ पे देखिए जो छज्जा पर है मेरा, ये बचपन का पूरा एक्सपेरिमेंट वाला सामान सब है, तो वही सब रखा हुआ है। और मैं काफ़ी यही सब बवारा कबारा ले लेके कुछ कुछ करता था, तो वो सब क्योंकि झाड़ झूर होने वाला है तो वो सब साफ सफाई होगा, तो साथ में आपको दिखा भी दूंगा, तो आज मैं बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और आज हम पूरा चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, बेड है, ये बेड है मेरा, बेड है या बेड है, पूरा ख़त्म है, ठीक है। इसी तरह का बारा अभी नहीं है, और भी भरा रहता है, और बस। और ये सब देखिए जो भी है, ये कैमरा वगैरह आपको लिए रखा हूँ यहीं पे कि आपको दिखाऊँ। तो ये रहा मेरा कैमरा, कैनन 200D, जो कि 18-55 लेंस के साथ आपको मिल जाएगा 40,000 में। और ये है जूम लेंस है 55-250, 55 से 250 mm है, और इसका जूम काफ़ी अच्छा है, और इसके इसके इसका दाम है 12,000 रुपये, और दोनों मिला के 52,000 लग गया मेरा चूना। खैर जो भी है, आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से। और ये है इसका बैग, तो मैं यहाँ पे रखता नहीं हूँ क्योंकि इसको उधर रखता हूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ पे निकाल कर रखा है। और ये रहा मेरा पुराना वाला स्टैंड, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये जुगाड़ है, यहाँ पे खोल के पॉकेट में आ जाएगा, और फिर इस पे एक सेल्फी स्टिक लगता है जो कि अभी मोबाइल में लगा हुआ है, और अभी मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। और आगे मैं बता देता हूँ, ये जो है, ये है स्टैंड का कैरी बैग, जो कि है ये बैंड्रो का स्टैंड, जो मैंने अभी जस्ट हाल फिलहाल में लिया है, जो कि मैं कैमरे के साथ चलता हूँ। ये 1400 रुपये का मिला, और काफ़ी अच्छा स्टैंड है, काफ़ी अच्छा किफ़ायती प्राइस में ले लिया मैंने, पटना में गया था तो वहीं पर लिया था, और काफ़ी अच्छा है, और आगे मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा बेड, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह मतलब ये बेड है कि कचरा है, तो वाकई कचरा ही मानिए, क्योंकि अब उतना फैंसी क्या कहे, सोने के बाद कोम करना आदमी याद भी नहीं रहता कि मच्छर काटा या क्या काटा, कुछ नहीं पता चलता है। क्या करते हैं कि काम करते करते, या देखिए एडिटिंग पे मुझे काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, ये खिड़की देख रहे हैं ना, इसमें कभी कभी शाम दिखता है और कभी कभी बैठे बैठे सुबह हो जाता है, मतलब काफ़ी कितने रात भी जागे हुए हैं वीडियो के चक्कर में। आप लोगों को 5 मिनट का वीडियो लगता होगा कि हलवा पूरी है, लेकिन बड़ा जलवा दिखाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो है, ये सब जो आवारा का बारा है, उसको मैं उधर क्या करते हैं, इधर इधर खिसका देता हूँ, इधर सो जाता हूँ, काम के क्लियर सिंपल। अब इतना फैशन करने के लिए किसको टाइम है, और उतना भी मुझे जितना भी वीडियो देखे हुईगा इसमें तो ये तो दिखा ही होगा, और मुझे भी देखे हुईगा, ये अपना पुराना 1945 वाला हेयर स्टाइल, बस काफ़ी है हेयर स्टाइल, और ये सब बनाने में मुझे ना ही कोई टाइम देने का मुझे इस सब में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सब हनी सिंह स्टाइल कटवाने में, और ये वो जो भी है, सिंपल रहता हूँ, सिंपल लिविंग, और बाकी आप बोल दीजिए। और ये देखिए, ये है मेरा कंप्यूटर, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि ये रहा सीपीयू, इसमें i3 प्रोसेसर गीगाबाइट का है, गीगाबाइट का है मतलब मदरबोर्ड, हाँ। और 4 GB रैम के साथ लिया था मैंने DDR4, जो कि बाद में अपडेट करके ले लिए, बाद में इसमें 4 GB रैम और लगा दिए। और ये i3 है 6th जनरेशन का, मतलब काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में हाँ फिल्मोरा वगैरह अच्छा चल जाता है, लेकिन कुछ हाई लेवल का सॉफ्टवेयर चलाना हो तो नहीं चलता है, मज़ा नहीं आता है। और उस समय लिए थे क्योंकि उस समय हम पूरा गार्जियन पे डिपेंडेंट थे, और किसी तरह पापा को कन्विंस करके लिए थे, क्योंकि बात हो गया था दूसरा, क्योंकि मैं जाना चाहता था पढ़ने, लेकिन हुआ पैसे की कमी हो गई, और इतना तो नहीं था कि कहीं शहर में जाके पढ़े, तो मैंने इतना डिमांड किया कि चलिए कुछ नहीं है तो
तो मैं मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर उस समय खरीदवाया था, तो i3 प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखिए यहाँ पे है इन्वर्टर, जो कि मैंने हाल फिलहाल में लिया है 2 महीना पहले। कितना 22,000 रुपये पड़ गया इसका। 200 AH का बैटरी है और ये 750 वाट शायद, नहीं मालूम है, उतना ध्यान नहीं है। ये लुमिनस का है, जो भी है इसमें बहुत अच्छा है। इको मोड और यूपीएस मोड भी है, दोनों मोड है, तो यूपीएस और इको मोड अगर नहीं मालूम होगा तो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। यूपीएस मोड पर मतलब कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं निफिक्र। और ये देखिए SMPS है, जो कि मैंने हाल फिलहाल में बदला है, क्योंकि उड़ गया था, तो मैंने मुजफ्फरपुर अपना मिलता है वहीं से लेकर बदला, क्योंकि उड़ चुका था। और बस यही सब है। और देखिए यहाँ पे है एक व्हील चेयर, जो कि मैंने हाल फिलहाल में, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ जिसे लिया हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबा समय तक बैठना पड़ता था। कभी कभी तो रात भी हो जाती थी, कभी कभी सुबह भी हो जाती थी, और काफ़ी मैं बैठता हूँ दिन भर, तो मैं इसी में पड़ा रहता हूँ, तो बैठने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने यही व्हील चेयर लिया, और ये भी 4,000 का पड़ गया। और बस यही सब है, बाकी मेरे काम के लिए इतना चीज़ इनफ है। और मैं ये सब आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और लगभग हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि ये मैं कंप्यूटर में जो स्पीकर यूज करता हूँ, ये मेरा खुद का जुगाड़ू होम थिएटर है, ये जुगाड़। तो आपको बता दो कि ये जुगाड़ मैंने 10th क्लास में पढ़ता था तभी बनाया था, क्योंकि मैं खेलता कभी नहीं था, खेलना मेरे लिए मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था। मेरे दोस्त लोग खेलते थे, लेकिन मुझे खेलने में मज़ा नहीं आता था, मुझे यही सब करने में मज़ा आता था, और मैं यही सब करता था दिन भर। तो इसमें थोड़ा सा फीचर है, थोड़ा सा एडवांस मैंने खुद से बनाया है, कि यहाँ पे देखिए ये चार्जेबल है, इसको ऑन कीजिए, ये पावर बटन है, इसको ऑन कीजिए, ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे चलाइएगा ऐसे, यहाँ पे इसमें एक ऑडियो जैक है, इसमें मोबाइल में लगाकर बजा सकते हैं, अच्छा आवाज़ देता है। लेकिन अगर आप भी और भी अच्छा आवाज़ लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको लगेगा एडाप्टर 12 वोल्ट का, जो कि मैंने जुगाड़ करके, ये देखिए ये भी है, सिरिंज का नीडल है, देखिए तो जुगाड़ करके बनाया है। तो यहाँ पे जैसे ही 12 वोल्ट का एडेप्टर लगाते हैं, इधर से इधर का पावर जो है कट हो जाएगा, बैटरी का पावर कट हो जाएगा और एडेप्टर पर डायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही एडेप्टर निकालते हैं, वैसे ही बैटरी पर चलाएगा, और बैटरी यहाँ से चार्ज हो जाता है। ये इंडिकेटर है, जो तीन चार कलर का बढ़ता है, ये बल्ब आप जानते होंगे, LED, तो काफ़ी अच्छा बजता है। थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगा के थोड़ा सा एडवांस बना दिया है, काफ़ी अच्छा आवाज़ देता है। और मैं आपको बेवजह मैं ये सब दिखा कर बोर कर रहा हूँ, तो और भी बहुत कुछ दिखाना है आपको, और वीडियो ऐसी लंबा ना हो जाए इसीलिए। और यहाँ पे देखिए ये जो है वाइट बोर्ड है, और ये डंडा है बच्चे सबका सोटने के लिए, मैं पढ़ाता था तो कभी क्या बोलते हैं, जब चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ था, तो मुझे पैसे की काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पॉकेट मनी चाहिए भैया, अपना भी तो पेट भाई, तो यही सब मैं करता था। और काफ़ी दिन एक बैच पढ़ाता था दिन में, और बच्चे सब थे, लेकिन पढ़ाना मुझे था नहीं, और पढ़ाते भी, लेकिन छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो लोग पढ़ा लेते हैं, वेल डन, बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, नहीं होता है, दिमाग ख़राब कर देता है बच्चा सब। ये है मेरा पुराना खटारा, जो कि ये हो गया है पंचर, क्योंकि इसे चलाए हुए मुझे 2-3 महीना हो गया होगा, काफ़ी दिन से नहीं चलाते हैं, और अब तो थोड़ा बाइक वगैरह ही चलाते हैं। तो ये सब है अपना, जो कि मैं पढ़ाई वगैरह इसी से किया हूँ, पूरा लाइफ में मेरा यही साइकिल रहा है। और तो आपको काफ़ी चीज़ें मैं दिखा चुका यहाँ पे, मोबाइल और साइकिल वगैरह जो भी है मैं आपको दिखा चुका, और आपको और भी थोड़ा कुछ दिखाता हूँ आपको जस्ट कट लेने के बाद। इस तो दोस्तों जितना आपने देखा वो सब थी मेरी अब की स्थिति, मतलब अब मैं कैसे रहता हूँ, लेकिन अभी बचपन वाला तो बाकी ही है, और देख रहे हैं मेरा सब कुछ इधर। तो देखिए मैं देखिए आपको एक दो चीज़ बता दूँ, कि यहाँ पे मैं जो स्पीकर यूज करता हूँ इसके साथ, ये है वो स्पीकर, और इसका मैं इस्तेमाल अब नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के समय में पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो ये पूरा खुलम खुला था, तो इसलिए मैंने इसके लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। अब ये कान में लगाकर बैठ जाता हूँ, और बस इसी का इस्तेमाल करता हूँ। इसका लेंथ बहुत लंबा है, इसका वायर मैंने खुद से इसका टोचन पिन बना बना के टोचन कर कर के देखिए काफ़ी लंबा कर दिया है, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। और चलिए तो एक झलक ये देखिए, मेरा ऊपर वाला छज्जा हो चुका है खाली, और ये देखिए मैं साफ सफाई, और ये देखिए मैंने कितना सारा सामान
ये मैंने कितना सारा चीज यहाँ पे निकाल कर रख दिया है। तो ये सब कबाड़ा जो है ये मेरे बचपन का है, ये मानिए कि जीरो कॉस्ट, और ये सब मैं किया करता था बचपन में, मेरा खिलौना यही था। तो चलिए मैं एकाएक ही करके बता देता हूँ कि इसमें आखिर में है क्या क्या। तो टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लग रहा होगा कि यहाँ पे दुकान या बाजार लगा हुआ है, तो जो भी मानिए वो मान सकते हैं। तो आपको चलिए एकाएक ही करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है एक मैंने प्रोजेक्टर बनाने का कोशिश किया था। देखिए ये मोबाइल है बेचारे को, मैंने ऑपरेशन वगैरह करके यहाँ पे भीतर से, यहाँ पे देखिए एलईडी लगाया हुआ है कि इसका लाइट कुछ बढ़ जाए, और इसे मैंने शायद यूट्यूब से ही देखकर बनाया था, और ये सब चीज़ें था। और ये देखिए यहाँ पे मैं चार्जर का वायर है काफ़ी, देखिए बहुत सारा वायर है, और देखिए इसमें आपको मिल जाएगा मोबाइल भरा हुआ, चाइनीज मोबाइल ही है सब, मतलब गांव का जितना मोबाइल था रिपेयरिंग वगैरह मैं ही करता था, इधर का सारा नहीं फिर भी बहुत कुछ करता था। मेरे दोस्त लोग मोबाइल बनवाने आते थे तो बनाता भी था, जो कबाड़ा में रह गया वो रह गया। तो देखिए ढेर सारा मोबाइल है कबाड़ा में यहाँ पे, ये मोबाइल मैं बहुत दिन चलाया हूँ, मालूम है ये मोबाइल मैं बहुत दिन चलाया हूँ, और इसके ऊपर से बैटरी वगैरह लगा के चलाता था। खैर आज भी ये ऑन हो जाता है, अब तो इसका ज़रूरत है नहीं, अब करते नहीं। ये भी देखिए इसमें भी कुछ सामान है, शायद औजार पाती औजार वगैरह इसी से मैं करता था, टूल है इसमें मेरा, और ये पीसीबी इसमें भी भरा हुआ है। देखिए टोटल एलईडी वगैरह और भी मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा सामान है इसमें मिल जाएगा आपको, आईसी वगैरह। देखिए ये है वोल्टेज रेगुलेटर IC7805, इसका कोड होता है, और भी बहुत सारा होता है, पहले मैं करता था। खैर पैसे भी तो चाहिए ये सब खरीदने के लिए, तो पैसे तो होते नहीं थे, तो जितना भी मैं पैसा इसमें मतलब लोगों का सामान बनाता था और जितना भी उससे पैसा बचता था उसी से खरीदता था। देखिए ये मोबाइल का छोटा छोटा पार्ट पुर्जा है, अब तो ये सब किसी काम का रहा नहीं, फिर भी रखे हुए है, कभी कभी काम आ जाता है क्योंकि करते नहीं है ये सब। मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए ये है मल्टीमीटर, ये आप पढ़े होंगे क्लास में क्या बोलते हैं ओम का नियम, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को सिर्फ थ्योरी मिला होगा, और मैं घर पे एक्सपेरिमेंट करता था, यहीं पे यही मेरा रूम था, मैं वहाँ से पढ़ के आता था और यहाँ पे कर करके देखता था। वैसे वो सर से पढ़ाने से पहले से ही करता था मैं, मुझे कोई दिक्कत होता नहीं था ये सब करने में, ठीक है। तो ये है मल्टीमीटर, और आपको बता दें ये है पीसीबी, जो कि आपको बता दें कि ये पीसीबी है रेडियो का, और इससे होम थिएटर में जो है इस रेडियो का पीसीबी ही यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर, नहीं बताऊँगा बेमतलब का लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसका एम्पलीफायर यूज किया गया है उसमें। और ये देखिए ये सब मैं बचपन में, देखिए लालटेन है, लालटेन यही सब बनाया करता था, और सोल्डिंग नहीं रहता था, सोल्डिंग आयरन नहीं था उस समय, पैसा नहीं था सोल्डिंग आयरन खरीदने का, तो पता है क्या करता था, उसको जोड़ कर चिमटा से किसी तरह जोड़ कर उस पर मोमबत्ती डाल देता था, तो उससे काम चलता था, कुछ दिन चलता था बिगड़ जाता था, तो वही करता था। और भी बहुत कुछ है आपको दिखाऊंगा तो रात हो जाएगा। ये सब मैंने पंखा कॉइल खरीदा था पंखा के लिए, ये देखिए हॉट ग्लू है, हॉट ग्लू यूट्यूब पर आप बहुत बार देखे होंगे, और ये सब बैटरी वगैरह, इसमें बैटरी भरा हुआ है, इसमें देखिए इसमें आपको मिल जाएगा ढेर सारा पीसीबी, बहुत सारे चीज़ का है, रेडियो चार्जर सीएफएल का है, और ये रेडियो है बहुत पुराना वर्जन, रेडियो है बहुत पुराना वर्जन बोले तो आपको न, 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 2010 का कह सकते हैं, 2010 का रेडियो है, और इसमें इसमें तो कुछ कम फीचर था, मैंने इसको ज़्यादा एडवांस बना दिया। इसमें आपको यहाँ पे हेडफोन लग जाएगा, हेडफोन का जैक लगाया, वो भी ये हेडफोन जैक खरीदुआ नहीं, अपना से ही डिजाइन करके बना के, और जैसे ही इसमें पिन लगाइएगा रेडियो का आवाज़ बंद हो जाएगा, जैसे ही पिन निकालिएगा रेडियो का आवाज़ शुरू हो जाएगा, और भी कुछ पिन लगा के बजाने वाला, और भी बहुत कुछ, इसका एक एक पार्ट बदल दिया, और इसके बनाने के चक्कर में मैंने रेडियो बनाना भी सीख गया, बहुत सारा चीज़ रेडियो का मतलब पूरा छिटका के दे दीजिएगा तो जोड़ दूंगा। और मैंने पूरा मेरा जितना भी दोस्त था मेरे यहाँ ही रेडियो बनवाता था, थोड़ा बहुत पैसे भी लेते थे उससे, देता था नहीं देता था कोई बात नहीं, सीखते थे ना, बस एक जुनून था सीखने का। आपको और क्या बताएं, आपको और भी बहुत सारा चीज़ें जो है बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं अभी इतना यही सब मैं ये कुर्सी लगा कर अभी उतारा हूँ, यहाँ पर ढेर सारे एलईडी देख रहे होंगे, सब एलईडी मैं बनाया करता था कह सकते हैं, क्योंकि अब नहीं टाइम मिलता ये सब करने का। और ये देखिए ये जो है ये टंकी है, मतलब ये गैस वेल्डिंग करने के लिए बनाया था लेकिन बना नहीं, इसमें जाता है ऑक्सीजन और कार्बाइड पानी डाल के बना सकते हैं लेकिन उतना अच्छा जलता नहीं है। खैर किया था गया समय, गुजरा हुआ ज़माना है, और
ये एक और टूल का मेरा भाग है, ये देखिए ये उधर फंसा हुआ है। ये मतलब एक सीरीज होता है, अगर कोई भी कंपोनेंट आपको चेक करना है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके साथ अगर इसके सीरीज में चेक कीजिएगा तो डर नहीं रहता है शॉर्ट लगने का। मैं नहीं बताऊँ, इतना मैं डिटेल में नहीं बता सकता आपको, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और भी दो चार चीज़ें बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे है, इसमें भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक भरा हुआ है। मैं अब इसको सोच रहा हूँ बेच देने का, क्योंकि मैं मेरे लिए ये सब होता नहीं है। लेकिन एक बात है, मुझे अभी जो भी चीज़ का कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो इन सब में से मैं मिला के जुगाड़ लगा लेता हूँ। आज भी कोई दिक्कत नहीं है इन सब। अब ये माइक वगैरह तो सब उसी से चल रहा है, और तो उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पास, तो मैं पूरा ये सब टोटल जीरो इन्वेस्टमेंट का है। मतलब लोगों का सामान बनाया, हाँ वहाँ से कुछ पैसे मिला तो कुछ सामान खरीदा, और बाद में मैंने ये सोल्डिंग वगैरह लिया, सोल्डिंग आयरन देखिए, ये सब भी टूट खराब हो चुका है, तो किसी तरह बनाए हुए सोल्डिंग आयरन है इधर, ये जो रंगा है पेस्ट है ये सब है। और मेरे पास पेचकस भी नहीं हुआ करता था, देखिए पेचकस भी नहीं हुआ करता था मोबाइल खोलने के लिए। तो ये देखिए, ये है पेचकस जो कि खुद का बनाया गया है, देखिए कितना स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है, मुझे भी पसंद पड़ता है। ये सब आइटम इसी को घस घस के इस पर किसी तरह बना लेते थे। हाँ, आपको 12th क्लास में आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया गया होगा, ISC अगर स्टूडेंट होंगे तो ट्रांसफार्मर पढ़ाया होगा। देखिए ये है ट्रांसफार्मर, आपको सर जी उधर पढ़ाते थे और मैं यहाँ पे खोल के बनाता था। और इस ट्रांसफार्मर का है 250 वोल्ट दीजिएगा, 220 दीजिएगा तो 12 वोल्ट का सप्लाई देता है इधर, जो कि वो भी AC में होता है, जो कि एक रेक्टिफायर लगा के, देखिए यहाँ पे 4 डायोड का रेक्टिफायर है, मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, रेक्टिफायर लगा के DC निकाल सकते हैं। बहुत सारा झंझट है, लफड़ा है, क्या करें आपको कितना बताएं। और बोलते बोलते तो मेरा मुँह सूख गया। यहाँ पे देखिए ये सब ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये भी एक ट्रांसफार्मर है, इसका भी मैंने खोल खाल के ऑपरेशन किया था, करता था, सीखता था, सीखने का एक जुनून था, दिन भर मेरा यही काम था। देखिए कितना सारा कचरा का बड़ा भरा हुआ है। आपको एक चीज़ बता दूं, और यह क्या है, दूरबीन, आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, कितने बार वीडियो में आप देखे होंगे, 2-3 वीडियो में, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दूर से चीज़ें इसमें देख सकते हैं। ये आपको ये निकल जाता है यहाँ से, और इससे आँख में लगा कर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत करने पर बहुत दूर का चीज़ दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे, सब जगह पैसे, मैं टोटल फोकटी काम करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है टॉर्च का लेंस है जो कि फोकट का है, और ये लेंस खरीदा था वो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि अपने मार्केट तो वैसे ही मिलता नहीं है, जाए थे किताब के स्टोर से लिए थे, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको 12th में एक ऑप्टिकल चैप्टर में आपको मिलेगा टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने को, तो सर उधर पढ़ाते थे और मैं तो इधर बना बना के पढ़ता था, बस यही मेरा पढ़ने करने का स्टाइल था। लेकिन क्या करें, एजुकेशन सिस्टम ही अपना चौपट है भैया, क्या स्कूल में थोड़ी पढ़ते थे, कोचिंग में पढ़ते थे। आपको बता दें, अगर बाहर से है तो बिहार बोर्ड का टोटल बच्चा कोचिंग में तैयारी करता है, और स्कूल सिर्फ एक क्या स्कूल सिर्फ बोर्ड तक ले जाने का काम करता है। तो बताइए कि पूरा दिन का पढ़ाई और 1 घंटा में तैयारी करे तो बच्चे का वैसे ही दुर्दशा बिगड़ जाता है। वैसे भी मैं एवरेज स्टूडेंट था, इतना तेज स्टूडेंट था नहीं, तो ये है। और आगे एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे है एक बोरिया, ये है CFL, मैं CFL भी बनाता था CFL के ज़माने में, लेकिन CFL का ज़माना अब रहा नहीं, गुजरा हुआ ज़माना, और भी बहुत सारे चीज़ कर लेता था। जैसे CFL का अगर एक ट्यूब फ्यूज है तो एक ट्यूब पर ही जला देता था, और भी बहुत सारा। तो आई एम श्योर कि आप मेरा जो लगभग बातें चीज़ें समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे मेरे बारे में जितना है। तो ये चीज़ें थी मेरा बचपन का, और मुझे खेलने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, मैं स्कूल से आता था, खाता था, पीता था, इसमें लग जाता था। तो आप कहिएगा कि खेलना भी सेहत के लिए लाभदायक है, तो मेरा खेलने का स्टाइल अलग था। स्टंट जिमनास्टिक स्टंट, जो पलटी मारना, हाथ पे चलना, तो ये सब मैं करता था शाम के टाइम में, और भी जिस तरह टाइम मिलता था तो करता था। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और भी कुछ बताना है, और इस सब के बारे में एक एक डिटेल बताऊं तो हो जाएगा रात। ये बल्ब जो है मैजिकल बल्ब, मतलब इसको हाथ में हम ही रख सकते हैं, जला सकते हैं, आप नहीं जला सकते हैं। इसको भी मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों को उल्लू बनाया था बल्ब के साथ, तो
ये भी कबारा हो चुका है, इसका भी इस्तेमाल कर लिए हैं वीडियो में। तो और दोस्तों यूट्यूब का सफ़र बता दे, तो सबसे पहला जो मेरा चैनल था मल्टी टैलेंट हिंदी नाम से था, जो कि मैं यही सब उस पर बना बना के देखा बनाता था और दोस्त के पास भेजता था। तो भैया इसमें कौन इंटरेस्ट लेता था, एक तो मैं पागल था जो इसमें लगा हुआ रहता था और दूसरों को भेजता था बे मतलब के लोग क्यों पागल हो। तो इसके लिए तो वो क्या हुआ कि नहीं ग्रो किया, ग्रो मतलब क्या स्टार्टिंग में था लेकिन हमारे आ गए थे एक एक आध दो महीना काम किए थे लेकिन उतना अच्छा चला नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि कहो यार छोड़ हटाओ बाहर में जाए, छोड़ दिया उसको। फिर फन फ्रेंड शुरू किया, फन फ्रेंड के में मोनेटाइजेशन रुका, पैसे की प्रॉब्लम हुई और भी क्या कहें सर, तो यही सब। और ये सब जो भी है आपको, मेरा घर का काम में मानिए कि मिस्त्री आता नहीं है, ये जो ऊपर वायरिंग वगैरह देख रहे हैं पूरा घर का वायरिंग मेरा खुद का किया गया है और जितना खिड़की दरवाज़ा देख रहे हैं ये मेरे पापा जी का बनाया गया है। तो अपना तो सब काम अपने से ही लगभग काम चल जाता है और एक बात है अपने अंदर क्रिएटिविटी है। और हाँ तो बात रहा मोटिवेशन का, तो मैं बता दूं कि 10th क्लास में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मेरा हैंडराइटिंग बिल्कुल कचरा था। कचरा से याद आया कि ये देखिए ये जो मैं वीडियो टोटल लिखता हूँ, वीडियो जो है स्क्रिप्ट इस कॉपी पे लिखता हूँ और हैंडराइटिंग आपको दिखा दूं कि कितना कचरा है मेरा, तो ये हैंडराइटिंग ये बिल्कुल कचरा है। और कचरा होने का कारण सिर्फ ये था कि मैं जब पढ़ता था तो मेरे ध्यान में ये रहता था कि क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम, कैसा लिख रहे हैं कचरा लिखता था कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज़ से मेरा दोस्त लोग क्या डरवा दिया कि यार तुम्हारा तो गया, इतना कचरा लिखता है इतना पर नंबर कैसे आएगा। लेकिन तो मैं भी डर गया और मैं क्या किया और भी दम लगा दिया, पंखा बांधना, स्टेबलाइजर समझना और भी क्या 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 नहीं, मतलब बहुत कुछ समझ गया था इलेक्ट्रॉनिक में। और मेरा पूरा फोकस था यार इधर से अगर विकेट गिरा तो मैं किसी दुकान में चला जाऊंगा, काम सीखूंगा और आगे मैं दुकान वगैरह खोलूंगा, क्योंकि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट था, मैं काफ़ी मेहनत कर चुका था, काफ़ी मन लगता था, काफ़ी समझ में आता था। तो बेरोजगारी का समस्या, मैं बोलता हूँ ना बार बार हुनर होना चाहिए, तो मेरे अंदर कभी नहीं था। मैं उस समय भी मैं पॉकेट खर्चा चलाता था, किसी का लाइट खराब हुआ ये जो हाउस वायरिंग तो नॉर्मल है, हाउस वायरिंग तो मैं 8th क्लास में कर लेता था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के लिए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ITI करके भी ये सब समझ नहीं आता। तो मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, अपना बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी था मेरा इस तरह का लाइफ था पूरा क्रिएटिव फुली, तो उस समय भी मेरे पास ऑप्शन था कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेकिन सौभाग्य से रिजल्ट आया तो अपने दोस्त लोग में मेरा ही सबसे अच्छा रिजल्ट आया था, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका ही अलग था कि सर पढ़ाते थे उधर और हम इधर आके रेडियो बनाते थे, तो मेरा जो पढ़ाई था एकदम प्रैक्टिकल तरीके का था। तो आज भी कुछ कुछ बातें, बहुत सारे बातें आज भी पूरा ध्यान में है, आई एम श्योर कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकते हैं आज, इतना तो है पूरा प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कर कर के देखा हूँ। और क्या कहें, टीचर भी होते हैं तो उनको तो खुद स्कूल में प्रैक्टिकल करने को मिलता नहीं है। अब सर लोग स्कूल में प्रैक्टिकल का लिए जो लैब होता है, लैब का सामान बोरिया में कसकस के रखा हुआ है, कहाँ से होगा, यही पे तो मिसिंग है कि लोग के अंदर स्किल नहीं आ रहा है, और जब स्किल नहीं आएगा तो कहाँ से ग्रोथ होगा, कहाँ से अपना क्या बोलते हैं मैं भी ग्रोथ होगा। तो यही मेरा पर्पस था बताने का कि हाँ यार, और आप लोगों में से कितने लोग तो गाली भी देते थे कि मैं कुछ कुछ बोलता था तो यार तू पहले अपने करके दिखा, तो मेरा तो बचपन इसी में बीता हुआ है। और आज भी मैं वीडियो बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी चीज़ यार समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं शुरू से भेजा फ्राई किया हूँ और मुझे कोई चीज़ समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं यही गलती किया कि और इधर लिया कंप्यूटर लिया था, कोडिंग वगैरह सी लैंग्वेज जावा HTML थोड़ा बहुत सीखा, वो सब भी किया यार पूरा तबाह हो चुका था मैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे एंड्रॉयड स्टूडियो थंकेबल घंटा बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था, तबाह हो चुके थे। बाद में मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ तब जाके इधर राहत मिला, कुछ ये मिला। और ये चमकता दमकता घर देख रहे हैं तो ये घर चमकता दमकता भी नहीं है और साल भर पहले शायद 1.5 साल पहले बना है, इससे पहले खपरा वाला था। और जैसे ही घर बना मेरा पापा जी का बिजनेस है गेट ग्रिल का, वो पड़ गया ढीला, ढीला पड़ गया, तो अब पैसे की तो मारामारी हो गई और इसीलिए मैं नहीं जा पाया पढ़ने। तो अपना तो यही स्टाइल था पढ़ने का और करने का चलने का, तो मैं
एक जुनून था फिजिक्स, मेरा फेवरेट विषय था, फिजिक्स के नाम लिखवा लिया और बुक वगैरह खरीद के तो लाया, लेकिन फ़र्क इससे पड़ा कि क्योंकि मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ था और बाद में मुझे डायरेक्ट पढ़ा इंग्लिश मीडियम पढ़ने को, तो दिक्कत हो गया। तो काफ़ी मैं बोल चुका हूँ, और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बेवजह की चीज़ों पर टाइम बर्बाद करते हैं, तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो भी फील्ड से हैं आप, जो भी फील्ड में आपको मजा आता है, जो भी कीजिए उस पर मेहनत कीजिए। हाँ, ये मेरे अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन आज भी कोई इस फील्ड इस बारे में बात करे तो मुझे उल्लू नहीं बना सकता। यही तो मैंने गलती किया कि मैंने हर फील्ड में जानने की कोशिश की, हर फील्ड में, इसीलिए मैं किसी फील्ड का मास्टर नहीं बन पाया। लेकिन अब मास्टर बनने का बात है तो मेरा उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और इतना तो है आज भी कि मुझे किसी भी फील्ड से आदमी कोई भी बात करे तो उनकी बातों को मैं समझ सकता हूँ, उनकी चीज़ों को समझ सकता हूँ, उनके टॉपिक को समझ सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, कंप्यूटर फील्ड, एसी, फ्रिज, क्या क्या, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जाना, मेरे जानने का जुनून है। आज भी मैं लगा रहता हूँ इसी चीज़ों में, मेरे पास जितना भी टाइम मिलता है ये सब करता हूँ। बस यही बात है। और मैं तो था आँखों में एक सपना लिया, आया यूट्यूब पे और आप लोगों ने अपना लिया। खैर, यूट्यूब पर मैंने अपना जगह खुद बनाया है और साथ साथ मेरे दोस्त भी है, उनका भी भला हो ही गया। और बस यही था, और देखते हैं फिर आगे क्या किया। तो दोस्तों, साफ सफाई चल रहा है और मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अगर बेवजह के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और बेवजह के सोशल मीडिया चैनल, गेम और ये सब पर ध्यान दे रहे हैं तो ये सब बेवजह का है। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग इंटरटेनिंग चीज़ देखते हैं, इंटरटेनिंग भी ज़रूरी है खुश रहने के लिए, लेकिन साथ साथ में नॉलेजेबल चीज़ को भी देखिए, नॉलेजेबल चीज़ को भी समझिए, पढ़िए और बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और स्कूल के डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आप जो चाहिएगा वही होगा। स्कूल के डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, उसको प्रैक्टिकल वे में समझिए हर चीज़ को। मान लीजिए कि आप इंटर पास है और आपको पीएचडी वाला डिग्री थमा दिया जाए, तो आप इंटर के ही काबिल रहिएगा। आप कहीं भी परफॉर्मेंस दीजिएगा, कोई भी काम कीजिएगा तो इंटर के ही लेवल का कीजिएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ को पूरा पकड़ के चलिए, क्योंकि डिग्री ठीक है, डिग्री आपके लिए प्रमाण है, लेकिन आप किस लायक है वो चीज़ आप में होगा। और मैं ये सब क्यों करता था, सबसे पहली बात तो देखिए, मैं उतना भी बड़ा परिवार से नहीं था कि कुछ 5-7 लाख लगा के मेरे मैं पढ़ सकता था। और दूसरी बात कि मेरा बचपन से ये एम रहा है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मेरा ये चाहत था और आज हुआ भी। और मैं जो आज कर रहा हूँ एक नौकरी से कहीं अच्छा है, और जो मैंने जितना जितना मेहनत करके ये चीज़ पा लिया वो एक नौकरी मुझे नहीं दे सकता था। तो वो आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, आप जो चाहेंगे बस अब से चाह लीजिए और उस फील्ड में मेहनत कीजिए और आप ज़रूर एक ना एक दिन पहुँच जाइएगा। बस आपको चाहना है और मेहनत करना है, और बेवजह का दिन भर समय बर्बाद से करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा तो आप दोबारा पा सकते हैं, अगर आपका पैसा खो गया तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय चल गया ना तो उसे पाने का कोई तरीका नहीं है, समय चला गया तो गया। इसीलिए समय पे संभल जाइए और रास्ता वैसा चुनिए जो आपके मंजिल तक जाता होगा। रास्ता तो हर रास्ता हर जगह जाता है, लेकिन आप उसी पे जाते हैं जो आपके मंजिल तक ले जाता है। तो ध्यान रखिए कहाँ जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हर चीज़ को लंबा सोचिए। और बेवजह का अगर फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसका अगर मतलब नहीं बनता ना, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़न के लिए, लोग से कांटेक्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, आपको उस पर पूरा लगना नहीं चाहिए। तो काफ़ी बकवास हो चुका है लंबा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं फ़न के अलावे, मैंने फ़नी वीडियो के अलावे भी कुछ ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिससे लोगों को मोटिवेट करे, कुछ अच्छा समझ में आए। तो इस तरह से चाहे इस चैनल पर भी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गाली देते थे कि यार तू बेवजह बाबा बनता है, या कहना आसान है करना मुश्किल है। तो पता नहीं मैं कितना हद तक बोला, लेकिन जो भी बोलता था मैं सही बोलता था। और ये अगर आप ऐसा कुछ अगर समझते हैं तो आशा करता हूँ कि ये सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके मन में और भी मेरे रिलेटेड कुछ बात है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और तो आज के लिए इतना ही, और मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को पाइए और एक ना एक दिन काम आएगा। देखिए, सीखा हुआ चीज़ कभी ना कभी काम आता है, आपके लाइफ में ज़रूर काम आएगा। कोई भी चीज़ सीखिए, हुनर कभी बेकार नहीं जाता। और अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो आपके लिए दुनिया खाली है, कहीं भी जाइएगा तो कुछ ना कुछ कर ही जाइएगा, कुछ ना कुछ कर ही जाइएगा। और जिसके हाथ में हुनर नहीं है
जिसके हाथ में इलम नहीं है, वो उसको क्यों कोई रखेगा, उसको क्यों कोई कुछ कर पाएगा। इसीलिए अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कोई और ना लेकिन अपना ही कुछ जरूर कर बैठिएगा। तो इसलिए सीखिए, समय है, सीखते रहिए। तो बस अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।